हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज अडवेक। स्वागत करता हूँ अपने चैनल फेस जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के MR सेफ हाइजनिस्ट एंड स्टुअर्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो अभी MR की जो अभी बात चल रही है, MR की जो वैकेंसीज थी, इसमें एडमिट कार्ड अचानक से मेरिट भी आ गया, अचानक से आपका एडमिट कार्ड भी आ गया। फ्रेंड्स, इस तरह से जो बातें बहुत सारी जो बातें हैं कस के आ रही है कि मतलब जो कपड़े को गाड़ते हैं फ्रेंड ना, उस तरह से कई प्रश्न इसमें निकल रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो मैं उसी जो ऐसा क्यों है उसी का उत्तर मैं दूंगा कि ऐसा क्यों है। फ्रेंड्स, ठीक है, 4-5 ऐसा क्यों जो प्रश्न है वो मैं लेके आया हूँ आपके सामने। उस प्रश्न का मैं आपके सामने उत्तर दूंगा। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और घंटे को जरूर दबाएं फ्रेंड, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिलेंगे। आपको आपको जो सिलेक्शन लिस्ट होता है फ्रेंड, अब मैं बात करता हूं जो आपका सिलेक्शन लिस्ट होता है, जो आपका जो कट ऑफ तैयार होता है और एक जो मेरिट लिस्ट निकलती है, वो अभी नहीं आई है फ्रेंड्स। साफ कर देता हूं कि अभी उसने जो नेवी की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। ये जो सिलेक्शन लिस्ट है, मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए इसको खोल के रखा हूं, ताकि ये इसमें बताने के लिए कि 250 सीटें लगभग जो सीट के बारे में मैं बताने के लिए इसको खोल रखा हूं। ये पिछले 2018 बैच है फ्रेंड्स, और ये पिछले बैच का है। इसमें लगभग देख लीजिए कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे पिछली बार। सारे SF हैं, हाइजीनिस्ट हैं, सीमी आप देख स्टूअर्ड सबका है। लगभग 232 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इस बार कितनी सीटें हैं, लगभग हर साल के बात कर लेते हैं तो हर साल के लगभग 250 अप्रॉक्स 250 के पोस्ट होती हैं। ठीक है, 250 पोस्ट होती हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे की प्रश्न के बारे में, कि जो क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं। पहला प्रश्न जो ये उठ रहा है फ्रेंड्स, कि इतना हाई परसेंटेज होने के बाद भी आपका कॉल लेटर क्यों नहीं आया। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके परसेंटेज इतना हाई है, हाई होने के बावजूद कॉल लेटर नहीं आया, तो आपका सीधा सीधा सिंपल सा जवाब यह है कि परसेंटेज वहाँ की हाई गई है, इसी वजह से आपका कट ऑफ जो है वहाँ पर हाई गई है, इसी वजह से आपको परसेंटेज हाई होने के बावजूद भी आप उससे मतलब उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए जिस लेवल पर उसने कट ऑफ उठाया है। अगर यूपी की बात करें, तो मेन यूपी की मैं बात करूँ, तो मेन यूपी में आपका 93 एवब गया है आपका कट ऑफ फ्रेंड्स। हरियाणा की बात करते हैं तो 92 समथिंग का कट ऑफ गया है। इधर आपकी उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की भी 92 अप्रॉक्स गई है फ्रेंड्स। बिहार की फ्रेंड्स 94% 93% बिहार की बात कर रहे हैं फ्रेंड। बिहार में भी ऐसे ही परसेंटेज गए हैं। कोलकाता में एक बच्चा का है 89% होने के मतलब होने पे ही आ गया है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में भी मतलब इतना परसेंट हाई गया है, कई लोगों का 67 पे भी आ गया है, 69 पे भी कई बच्चों ने बताया कि मेरा इतना पे आ गया है। तो इस तरह से वेरी करा, इस पर आप टेंशन नहीं लीजिए। जो बात थी, नेवी साफ साफ अच्छी तरीके से वैकेंसीज कराती है। अगर परसेंटेज हाई है तभी उसने आपका कॉल लेटर नहीं जारी किया। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर आपका जो रेड हो गया है, अगर कई लोगों ने कहा रेड हो गया, तो क्या मेरे परसेंटेज मतलब सॉरी कॉल लेटर जो आपका आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रेड हो गया है तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। आप दूसरी बात, कई लोगों ये कहा सर मेरा ग्रीन नहीं हुआ, मेरा रेड नहीं हुआ, मेरा दो लाइन भी ग्रीन नहीं हुआ, मुझको ये है, मुझको वो है, ऐसे कई लोगों ने कहा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी ऐसी बातें हैं तो मैं आपको बता दूं कि दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम यह आती है कि ये सर्वर प्रॉब्लम है। ठीक है, सर्वर प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स? सर्वर प्रॉब्लम ये होती है कि कई बच्चों का धीरे धीरे रेड करता है, किसी किसी का ग्रीन करता है। मान लीजिए जिनको कॉल लेटर भेजना होता है कॉल लेटर भेज देता है, लेकिन कई लोगों का जिसका कॉल लेटर जारी नहीं होने वाला था उसका देर में रेड करता है, किसी किसी का रेड भी नहीं करता, किसी किसी का ग्रीन कर देता है, किसी का मतलब ग्रीन का मतलब कि दो लाइनें ग्रीन है, तीसरा लाइन रेड ही नहीं करता है। इस तरह से फ्रेंड्स बातें होती हैं, तो ये सब है सर्वर प्रॉब्लम। ठीक है, इससे इसमें आप बिल्कुल भी डूबे नहीं, चिंता नहीं करें। ठीक है फ्रेंड्स, भाई लोगों ने वीडियो बनाया कि क्या दोबारा एडमिट कार्ड आएगा, तो हाँ दोबारा एडमिट कार्ड आएगा। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं है, मैं आपको बता दूँ, जो एडमिट कार्ड आना थे वो आ गए, जिनके भी उनको एग्ज़ाम डेट पता चल गया है कि हाँ मेरा इस डेट को इस जगह पर जो एग्ज़ाम है वो वहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं सेफ कॉलिंग 5 मार्क की। ठीक है, कई लोगों ने पूछा सर कितना नंबर ले आए कि हम पास हो जाएं, नौकरियां हमको मिल जाए, कितना नंबर ले आए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं कि सेफ मार्क क्वालिफाइंग मार्क, मैं एवरी स्टेट की बात करता हूं, भारत की बात करता हूं, एक भारत की बात करता हूं। तो मैं एक भारत की बात अगर करूं फ्रेंड्स, तो एक भारत यानी पूरे जो ऑल इंडिया की मैं अगर बात करूं तो आपको कितने नंबर लाने चाहिए, तो मैं आपको बताऊं लगभग 36-40, ये मेरी राय है फ्रेंड्स कि 36-40 के बीच की स्कोरिंग आप रखिए। कभी भी कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, 36 वैसे तो 31 वाले नंबर, 31 नंबर वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं। ठीक है, कट ऑफ डिफरेंट जाती है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, 31 नंबर वाले भी पास हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 36 से 40 नंबर लाने की आप कोशिश करिए, 36-40 मार्क्स। ठीक है, ये जो है सेफ क्वालिफाइंग मार्क है, आपका सेफ क्वालिफाइंग मार्क है, इसमें आप पास कर लीजिएगा तो आपको जो वैकेंसी है वो क्लियर हो जाएगी, आपको नौकरी लग जाएगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की क्यों मतलब जो किस
ये तीन पोस्ट में से कौन से मतलब पोस्ट की जो है जो नंबर है यानी कट ऑफ है हाई जाती है, कौन से पोस्ट की लो जाती है, कौन सी अच्छी पोस्ट है कौन सी खराब। देखिए नौकरी नौकरी होती है, पोस्ट अच्छी खराब की बात अगर मैं यहाँ करूँ तो मैं किसी को अच्छा कैसे मैं बुरा कह दूँ। ठीक है, ये नेवी के तीन बेटे के समान है, सेफ, हाइजेनिस्ट और स्टुअर्ड, ये तीनों बेटे हैं। कैसे एक बाप तीन बेटों को अलग अलग देख ले, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ ये कहूँगा कि किसी कट ऑफ अच्छी जाती है और कौन ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। पहली बात अगर कर दूँ कि कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ की बात सबसे नंबर वन पे जो है वो होता है स्टुअर्ड, उसके बाद हाइजेनिस्ट, उसके बाद सेफ। स्टुअर्ड जो खाना वाना परोसेंगे और हाइजेनिस्ट जो साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, बर्तन माजना ये वगैरह काम, और सेफ होता है जो खाना बनाने होता है। लेकिन अगर खाना बनाने वाले से अगर बात कर दी जाए तो कई लोग सोचेंगे खाना बनाने वाला का नंबर हाई जाएगा हाई जाएगा हाई जाएगा, तो मैं बता दूं सबसे लो तो इसी का जाता है फ्रेंड्स, सेफ का। खाना बनाना कोई नहीं चाहता फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सेफ की जो है कट ऑफ सबसे लो जाती है, हाई जो जाती है वो स्टूअर्ड खाना परोसने वाले जो होते हैं वो सबसे हाई उसकी जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है होता है वो हाइजेनिस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरह से वेरी करती है, कट ऑफ भी इसी तरह से वेरी करती है पोस्ट। अब जब मैं बता दिया कट ऑफ हाई लो और मैं बता दिया, तो इसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन पोस्ट अच्छी है कौन सी पोस्ट बुरी है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कौन से आपके लिए बेहतर है। ठीक फ्रेंड्स, ये रही आपकी जितने भी प्रश्न के उत्तर थे, मैंने सारे प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं। और भी आपके जो डाउट्स हैं क्वेश्चन हैं प्लीज कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए कि हाँ क्या परेशानी है, और कमेंट जरूर किया करिए। और कमेंट के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक जरूर कर दिए फ्रेंड। थैंक यू।